आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो गई है इवनिंग, और इवनिंग में मैं अभी बना रही हूँ खाना। तो ये मैं बना रही हूँ बूंदी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बूंदी, वो भी रायता के लिए। उसके अलावा मैं बनाऊँगी पनीर की सब्जी, एक आलू बैंगन की सूखी सब्जी बनाऊँगी, और पूड़ी और पुलाव। तो चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूँगी। उसके बाद मिलते हैं आपसे शाम को सेलिब्रेशन के टाइम। बूंदी का रायता बन के रेडी, बूंदी का रायता हो गया, ये सब्जी है। अब मैं जा रही हूँ काटने। और ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, क्या है भाई नाम, क्या है, मोनू मास्टर, मोनू मास्टर द रिकॉर्डर, एंड दिस इज पूर्णिमा। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसी बहुत भारी ड्रेस नहीं डाली है, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। सिंपल सी एक कुर्ती मैंने यहाँ पे पहनी है। और ये देखिए, ये हस्बैंड जी ने मुझे केक सरप्राइज़ दिया था, तो आप देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट्स कीजिएगा मुझे। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक केक जो घर पे बनाया था, तो वो भी मैंने यहाँ पे बना के रख दिया था। तुमको ये वाला खिलाऊंगा, फर्जी वाला। थोड़ा और उधर चले, उधर से भाई अपने को काट रही अपने आप को काटे जा रहे। अरे आज हम लोगों ने खिलाना चाहिए, तो पहले सर को खिलाओ दीपा, सर आइए। अब आप जाओ, हैं? आप जाओ। हाँ? और चेहरे पे पूरा लगना चाहिए बिल्कुल। मुझे भी खिलाओ। लगाना नहीं, खिलाना है। अरे लगाना भी है। अरे चेहरे के लिए। नहीं, हम आराम से लो। आराम से लगा। नाक पे, नाक पे, नाक पे। हाँ ये हुआ। बस बस। उसको खा लो। खाओ। तो केक कटिंग के बाद सब लोग यहाँ पे कर रहे थे मस्ती, तो मैंने वॉल्यूम को हटा दी है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए वॉल्यूम को हटा दिया था, और बस इन लोग की थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो ये देखिए सब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए, जो मैंने खाना रेडी किया, तो मैंने यहाँ पे बनाया था पुलाव, और पनीर की सब्जी बनाई थी, रायता बनाया था, और ये बनाया था बैंगन की सब्जी। ये हमारा सेफ। तो नाच गाना सब कुछ हो गया था, और काफ़ी टाइम हो गया था, रात के करीब 10 बज रहे थे, तो खाना भी सब रेडी हो गया था। तो मुझे लगा चलो सबको खाना सर्व करते हैं, तो बस और कोई नहीं था, बस जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ बिल्डिंग में जो जो लोग थे, बस उन्हीं लोग को मैंने यहाँ पर बुलाया था। तो बस चलिए मैं सबको लगा देती हूँ खाना। जी हमारा मोनू राजा स्टील बॉडी, ये आपको आज से 10 साल पहले भी जाके भाई कभी डाल देंगे। 10 साल पहले भी इसी तरह दिखाई दे रहा था, आज भी इसी तरह दिखाई दे रहा है, और जब ये 100 साल को जाएगा तब भी इसी तरह दिखाई देगा, क्योंकि मोनू राजा ही है हमारे। और ये है हमारे सर सिंह साहब, ग्रेट। ये आपको अभी जैसा दिख रहे हैं, तो ये भी बहुत मेहनत करते हैं अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, सुबह और शाम दोनों टाइम एक एक घंटे जिम पे बिता रहे हैं,
और अभी आप इनको देख के वो नहीं कर सकते हो कि इनकी एज कितनी है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, ये तो बात सही है ना। तो चलिए ठीक है, और ये है हमारी नौकरानी लगी हुई है लगी हुई है, देखते हैं आज क्या रचा है, स्वाद देखते हैं, देखने में तो ठीक लग रहा है खाना। ए मोनू पूरी देना, मेरे को आया था मतलब कौन सा वाला ब्राह्मण बात मतलब चावल चावल ही चावल दो मोनू को, है ना मोनू। पुल्लू क्या कर रहा है, मॉर्निंग वॉक से है ना, अच्छा पानी की आज कपड़े धो लेंगे मम्मा जी, कुछ काम भी दे देना ये हमारी वॉशिंग मशीन पास दिखाइए। इसमें ये चीज बहुत अच्छा लगा मुझे, समय पे तो पैसे। ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं भी नहीं बताऊंगी, जब इसका अनबॉक्सिंग करूंगी तो बताऊंगी। तो ये है वॉशिंग मशीन और ये हायर की है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक नहीं है, मैंने जानबूझ के ऑटोमेटिक नहीं लिया क्योंकि उसको ऑपरेट नहीं किए थे, जिस चीज़ को ऑपरेट किए थे इसलिए वही लिया। तो बस ये दिखाना था और मैं वीडियो एंड भी नहीं कर पाई थी, तो चलो वीडियो एंड कर लेती हूँ, तो अभी मैं यहीं पे कर रही हूँ वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।